रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अमरोहा में बोल रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। पार्टी की सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह काम किया। बराबर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकारों ने जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करती है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति करती है। कैसी राजनीतिक पार्टी है? समाजवादी पार्टी के हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितने बदतर हो चुके हैं। अब वह लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं, लाल पोटली। बहनों भाइयों, जो डूबता होता है उसके लिए तो तिनके का ही सहारा काफी होता है। अब समाजवादी पार्टी भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया। यह हालात उनके हो गए। यहां मैंने आपके सामने यह बात की है गांव गरीब किसान की, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी सरकारों ने क्या किया। क्या यह सच नहीं है, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया, लाख कोशिश करने के बाद भी हमारा किसान, उसको जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ सहारा दिया जाना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया देना प्रारंभ किया। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आगे यह बढ़ भी सकता। गांवों के हालात को सुधारने के लिए, किसानों को हालात को सुधारने के लिए, माताओं और बहनों के हालात को देखते हुए उन्होंने फैसला किया। गरीब परिवारों की माताएं बहनें, बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती हैं, उनके आंखों से आंसू निकलता है। किसी सरकार ने चिंता नहीं की, चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो। पहली बार इसका दर्द यदि किसी के दिल में पैदा हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री के दिल में दर्द पैदा हुआ। और उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर सभी परिवारों में पहुंचना चाहिए जहां पर कि एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी जो जितने लोग खड़े हैं जिनके घरों में पहले एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं रहा होगा, आज उनको एलपीजी गैस सिलेंडर उनके घरों में पहुंच चुका हो। अब आपका जहां तक सवाल था, गांव में हम लोग जाते थे, पहले कच्चे मकान दिखाई देते थे। प्रधानमंत्री ने हमारे फैसला किया कि हम भारत में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में न रहने पाए, सबका अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान होना चाहिए। और मैं यह बात भी दावे के साथ कह सकता हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों को निश्चित रूप से पक्का मकान मिला होगा, जिनके पास पक्का मकान नहीं रहा हो। सारे देश भर में माताएं बहनें घर में पानी के लिए घड़ा लेकर कुएं पर जाती थी, दूर दराज स्थानों पर जाती थी, घड़ा भरकर पानी लाती थी, तब घर का कामकाज चलता था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, यह जलालत अब मैं अपनी गरीब माताओं बहनों को नहीं झेलने दूंगा। और उन्होंने कहा कि अब सारे हिंदुस्तान में एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर तक नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए, ऐसा एक भी घर शेष नहीं बचेगा। क्या यह सच नहीं है, हमारी सरकार यह व्यवस्था कर रही है, काफी हद तक किया है और जहां बाकी है उसको हम करेंगे, एक भी घर ऐसा शेष नहीं बचेगा। यह सब सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की हैं बहनों भाई, लेकिन इन लोगों ने बराबर जनता को गुमराह करके जनता का समर्थन हासिल किया है, चाहे वह सपा हो, चाहे बसपा हो, सरकार हो, चाहे ये कांग्रेस हो, सबने समर्थन हासिल किया। मैं विकास के बारे में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विकास योगासन कर रहा है, विकास योगासन कर रहा है।
जब होगा कानून का शासन तब करेगा विकास योगासन। जब कानून का शासन होगा ही नहीं तो विकास योगासन कैसे करेगा? आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग जरूर करते होंगे। और मेरे भाइयों, योगासन 84 तरह के होते हैं, 84। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कानून और व्यवस्था के हालात हमारे उत्तर प्रदेश में इतने बेहतर हुए हैं कि 84 में से 83 योगासन विकास यहां पर कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया, सपा बसपा के लिए छोड़ दिया है, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। और आप जानते हैं कौन सा योगासन उनके लिए छोड़ दिया है? शीर्षासन उनके लिए छोड़ दिया है। ये लोग जाति पंथ और मजहब के आधार पर समाज को बांट कर यह सरकार बनाना चाहते हैं। जाति पंथ और मजहब के आधार पर सरकार को बांट कर ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जाति पंथ और मजहब के आधार पर देश को बंटने नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ की राजनीति करते हैं, इंसानियत की राजनीति करते हैं। बहनों भाई, हम समाज को तोड़कर राजनीति करना हमको पसंद नहीं है और कभी भी हम समाज को तोड़कर राजनीति नहीं करेंगे। भाई डंके की चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं, ये लोग बराबर आपको तरह तरह की बातें करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कल आपने देखा होगा भारत की संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने हमारी केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां इतनी गलत हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिल गए। बहनों भाइयों, शायद उन्हें मालूम नहीं है सकसगाम घाटी पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया था दोस्ताना अंदाज में, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय इस घाटी को, सकसगाम घाटी को उस समय पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया था। उस समय पाकिस्तान चाइना की दोस्ती थी। देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। इतना ही नहीं, तो अमरोहा से राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। अब खबरों में आगे रुक करते हैं। बुलंदशहर में एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए धक्का मुक्की हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, यहां पर एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई है। बुलंदशहर में और एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के लिए यहां धक्का मुक्की की गई है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में है, साथ होने की बातें कर रही है, लेकिन यहां तस्वीरें एकदम अलग। कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए यहां धक्का मुक्की की गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने जनता के सामने पेश किया है 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। पिछले 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यूपी में सालाना बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले 5 साल में यूपी के प्रति व्यक्ति की आय बढ़ गई है। यूपी में 70% लोगों को लगी है डबल डोज। यूपी में पिछले 5 साल में बेरोजगारी दर भी घटी है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान। तो 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। 40 लाख प्रवासी कामगारों को फ्री राशन दिया गया है। 5 साल में 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। यूपी में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान। प्रबंधन में कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश
कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। प्रथम वेव को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद तो सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस के फलस्वरूप प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए। आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। सेकेंड वेव को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद थर्ड वेव को भी आज हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। आज लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन हो रहा है। लखनऊ से उत्तरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बोरा ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लखनऊ उत्तरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बोरा यहाँ पे आए नामांकन का पर्चा दाखिल करने। नामांकन का पर्चा दाखिल करने है, क्या कुछ कहेंगे? नामांकन दाखिल करने के बाद मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नामांकन दाखिल हो गया है। आज लखनऊ का अंतिम नामांकन था और लखनऊ 23 तारीख को मशीनों में दर्ज कर देगा एक ऐतिहासिक जीत की ओर। भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्रद्धेय योगी जी के पक्ष में एक वातावरण बना हुआ है और लोग पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि कानून का राज है, जंगल राज समाप्त हो गया है, माफिया गुंडे भाग गए हैं, माफिया गुंडे जेल में चले गए हैं और जो उन्होंने अपहरण छिनैती लूट के द्वारा धन अर्जित किया था उनके उस संपदा के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, विकास की गंगा बह रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, उत्तर विधानसभा एक रिकॉर्ड कायम करेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि सपा की जो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं उस पर सपा जीतेगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वो चौंकेगी 9 में से, चूंकि 9 तो भारतीय जनता पार्टी होगी, जो शेष बचा वो उनके पास होगा। तो देखिए, ये उत्तरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बोरा थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार पूरी तरह से सफाया होगा। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अबू तलहा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में केशव प्रसाद मौर्य जनसभा करने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से अपना पर्चा भर दिया है। कौशाम्बी के सिराथू सीट से प्रत्याशी हैं केशव प्रसाद मौर्य। कई दिग्गज नेता नामांकन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य के साथ रहे, तो थोड़ी देर में जनसभा करने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य। आज ही सिराथू सीट से अपना पर्चा भरा है, तो सिराथू के रण में केशव उतर चुके हैं। घर में पहले पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया, मंदिर में पूजा पाठ किया, महिलाओं का हुजूम इस दौरान देखने को मिला और केशव पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सिराथू सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज नामांकन भरने से पहले सबसे पहले उन्होंने घर में पूजा अर्चना की। इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रियंका गांधी ने सिकंदराबाद में चुनावी प्रचार किया है। घर घर जाकर प्रियंका गांधी ने वोट अपील की है।
प्रियंका गांधी ने सिकंदराबाद में चुनावी प्रचार किया और यहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील भी की। बार बार कह रही हूं कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए, कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। और मैं समझती हूँ कि चुनाव इन्हीं पे लड़ा जाना चाहिए। तो मेरा बार बार ये कहना है कि जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए नेताओं को। बार बार मैं ये कह रही हूँ और जहाँ जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ वही कहते हैं, मैं यहाँ आई हूँ इधर भी कह रहे हैं कि देखिए हम, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है अगर वो घर पे नहीं आएगा, वो हमसे मिलेगा नहीं, हमारा काम नहीं करेगा, तब हम वोट क्यों दें, हम वोट तभी देंगे जब वो काम करके दिखाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो यही बात मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, जो जनता मुझे बता रही है बार बार, वो मैं बार बार पब्लिक में मैं वही चर्चा कर रही हूँ कि इन्हीं मसलों पर, इन्हीं के आधार पर चुनाव लड़। सदन में राहुल गांधी ने बयान दिया, सांसद निशिकांत दुबे का इस पर क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने। हमारे साथ बात करने के लिए निशिकांत दुबे जी हैं, जो कल संसद में राहुल गांधी ने बोला और आप विशेष अधिकार नोटिस लेकर आए हैं। राहुल गांधी को जब भी कुछ बोलते हैं अलग ही कुछ टाइप का बोलते हैं, इसलिए कि राहुल गांधी जी को देश के बारे में, सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। जो लोग उनको उस दिन सिखा देते हैं वही वो बोलते समझते हुए आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। मैं बिहार का हूं, झारखंड का सांसद हूं मैं, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात कहीं भी चले जाइए, छोटे से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के यहाँ चले जाइए, घर लोग जब जाते हैं तो अपना चप्पल खोल कर ही जाते हैं। आप समझिए वो चप्पल की बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी, इसका मतलब ये है कि आप शहरी संस्कृति में पैदा हुए हैं। यदि ऑफिस में कोई चप्पल और जूता खोल के जाता तो बात एक सीरियस थी कि ऑफिस में तो सभी चप्पल जूता खोल लेके जाएंगे, लेकिन घर में आपको क्या पता है कि वो पूजा का घर नहीं होगा, आपको क्या पता है कि वो जो चप्पल वो पहने हुए चमड़ा का चप्पल नहीं है, लोग चमड़ा का चप्पल पहन के जाते हैं। कई एक लोग जो है, हम अपने घर में जो है चमड़े का चप्पल नहीं ले जाने देते हैं, घर के पूजा घर में आप जो है चमड़े का चप्पल ले जाएंगे क्या, उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। तो इतनी मूर्खता जो है आप राहुल गांधी से ही समझ सकते हैं, इसीलिए वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जब बोलते हैं वो उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं। पर अगर वही बात की जाए तो राहुल गांधी ने कहा कि ये केंद्र सरकार की नाकाफी है और केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही, कि दो दुश्मन जो है चीन और पाकिस्तान वो एक हो रहे हैं। आज से एक हो गए हैं, 62 में जब चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग को ले लिया तो नेहरू जी तो प्रधानमंत्री जी थे ना, तो अक्साई चीन किसके पास है, गिलगित बाल्टिस्तान में जो है वो रोड बना रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। पाकिस्तान ने अपना भूभाग जो है, हमारा भूभाग जो है जो ऑक्यूपाइड कर लिया है 1948 से, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें रोड बना रहा है किसके कहने पर कर रहा है। तिब्बत को आपने उसका पार्ट बना दिया किसके कहने पर कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियर बम जो है पाकिस्तान को चाइना ने किसे, ये 60-62 से लगातार चल रहा है। यही मैंने कहा ना कि 60 साल के इतिहास को जो है अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपने की जो आवश्यकता पड़ रही है राहुल गांधी को, वो अपनी मूर्खता दर्शाते हैं और लगता है कि वो पढ़ाई लिखाई से दूर हैं और मुझे लगता है उनको इतिहास समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल उन्होंने ये भी कहा कि दो भारत हैं देश में, ये किस तरीके का बयान है, क्या वो जिन्ना की राजनीति कर रहे हैं, द्वि राष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये यूनियन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, अमेरिका नहीं है। सरदार पटेल ने 600 से ऊपर राज्यों को जो है मिलाया और उसको जो है सबको एकत्रित करके एक भारत देश बनाया। आज आप समझिए जो जिन्ना के दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है उसी को वो प्रतिपादित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस दिया। तो ये थे निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर विशेष अधिकार का नोटिस नोटिस लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जब कल कहा कि दो भारत है उसको लेकर भी निशिकांत दुबे ने न्यूज़ इंडिया से कहा। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है, यूपी में बीजेपी नया रिकॉर्ड बनाएगी, एसपी बीएसपी दूसरे नंबर के लिए लड़ रही हैं। दिनेश शर्मा ने यह अहम बयान दिया है, कांग्रेस तो एमआईएम से लड़ रही है, विपक्षी पार्टियां 3 अंक पार नहीं कर पाएंगी।
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये बड़ा और अहम बयान और कहा कि एसपी और बीएसपी दरअसल दूसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी सारी सीटों को जीतेगी और बीजेपी अपनी सीटों को जीतेगी भी और एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। प्रदेश में एक पक्षीय वातावरण चल रहा है। दूसरे स्थान के लिए सपा बसपा से लड़ रही, बसपा कांग्रेस से लड़ रही और कांग्रेस एमआईएम से लड़ रही, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस और एमआईएम चारों को मिला लेंगे तो ये 10 मार्च को ये चुनाव में 3 अंकों को पार नहीं करेंगे। इनका योग 3 अंकों पे नहीं होगा। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है पटियाला शहर से। विष्णु शर्मा ने नामांकन भर दिया है। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं विष्णु शर्मा। पटियाला शहर से विष्णु शर्मा ने कांग्रेस की सीट पर नामांकन भर दिया है। कांग्रेस ने पटियाला शहर से विष्णु शर्मा पर भरोसा जताया है और यहां कांग्रेस प्रत्याशी विष्णु शर्मा ने नामांकन भर दिया है। बात करेंगे गलवान के हम बलवान की। उस रात कम से कम 38 चीनी सैनिक डूब गए थे जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। तो चीन का झूठ बेनकाब हुआ है। तो चीन का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने यह खुलासा किया है कि चीन गलवान घाटी में हुई भिड़ंत में सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूल रहा था जबकि इस भिड़ंत के दौरान 38 सैनिक चीनी सैनिक बर्फीली नदी में बह गए थे। ऑस्ट्रेलियन अखबार ने यह खुलासा किया है। 15 जून 2020 को यह झड़प हुई थी। पिछले साल चीन ने मार गिराए थे तो ये गलवान के हम बलवान 38 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने की है और ये बड़ा खुलासा किया है। 15 जून 2020 को ये झड़प हुई थी।